काल चक्र के हाथों से रफ्तार छीन कर मानूंगा, देवों के कर से दैत्यों के अधिकार छीन कर मानूंगा। नमस्कार, मैं हूं सिद्धांत सर और कलर्स पर शिव शक्ति तप त्याग तांडव शो में मैं तारकासुर बन के आने वाला हूं, तो प्लीज इस शो को जरूर देखिएगा। हेलो सिद्धांत, सबसे पहले स्वागत है आपका डीसी फिल्म में। Yes. So good in black outfit. Yes. Thank you so much. So sweet of you. जब आपके पास बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इस कैरेक्टर के बारे में मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, लेकिन चैनल इतना फेमस बड़ा टॉप चैनल था और जो प्रोडक्शन हाउस था वो भी इतना बड़ा था, तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड। जब मेरा सिलेक्शन हुआ आई वॉज वेरी एक्साइटेड, एंड जब कैरेक्टर के बारे में पता चला कि उसकी इतनी इम्पोर्टेंस थी, इतना महत्व था शिव पुराण में, तो मेरा इस शो में इतना पावरफुल रोल होने वाला है, तो बहुत अच्छा लगा। शो में थोड़ा माइथो, ये शो ही माइथो शो है जी, और ये संस्कृत वर्ड बहुत जी, शो ही संस्कृत वर्ड से जुड़ा हुआ है जी। तो जी बिल्कुल नहीं, देखिए अगर आप सोचेंगे तो ये हमारी सभ्यता है ना, ये तो धरोहर है हमारी, तो ये चीज़ डिफ़िकल्ट क्यों होनी चाहिए, मतलब ये तो इजी होनी चाहिए। और मेरा भी अभ्यास रहा है, मेरी जो पढ़ाई रही, एजुकेशन रही है, मैं एक आर्य समाजी स्कूल में गया हूँ और उसके बाद थिएटर किया है, मतलब थिएटर से ही शुरुआत हुई है, तो प्लेज़ काफ़ी किए हैं, जैसे अंधा युग एक प्ले था, रश्मि रथी कविता थी रामधारी सिंह दिनकर जी की, ये सब मैंने अपने अभ्यास के दिनों में सीखी हैं, तो लैंग्वेज इतनी बड़ी कोई मेरे लिए तो पर्सनली प्रॉब्लम नहीं थी। और बाकी हमारी जो डायरेक्शन टीम है, राइटर्स की टीम है, बहुत अच्छी है, वो सेट पे रहती है, तो कहीं कोई कलाकार कभी अटक जाए तो उसी वक्त वो हेल्प करते हैं एक्टर्स की जी। राम से विष्णु एंड देन विष्णु से तारकासुर, लाइक हाउ जी हाँ वही होता है। देखिए एज आई ऑलवेज से यू नो कि हर नायक में खलनायक है और हर खलनायक में नायक। अभी एज एन एक्टर हम एक जगह कभी कुछ रोल प्ले करते हैं तो हमें अपने आप को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए, मैं मानता हूँ। ज़्यादातर एक्टर्स ना अपने आप को बहुत सीरियसली ले लेते हैं कि अगर मैं ये रोल प्ले कर रहा हूँ तो मैं रियल लाइफ में भी ये हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। आप यू आर एन एम्प्टी बॉटल, आप में पानी डाला जाएगा आप वो बनोगे, आप में शराब डाली जाएगी आप वो बन जाओगे, कोई दूध डालेगा आप उसकी बॉटल बन जाओगे, बॉटल ऑफ मिल्क वैसा है। तो एम्प्टी बॉटल बन के जाओ हर जगह पे। जब राम का किरदार निभा रहे हो तो प्रभु श्री राम जैसे बिहेव करो, एक्टिंग करो, तारकासुर प्ले करो तो तारकासुर बन जाओ, है ना, उसमें कुछ नहीं है, तो वही है जी। जी आपके फादर की बात करें पुनीत जी की, वो बहुत अच्छे डायरेक्टर थे, तो कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन हो जाता है आपके लिए जी, उसके बारे में सुनना चाहिए, कैसे इंस्पिरेशन ली उनसे उनसे जी। जी देखिए ही इज करंटली 64-65, ही इज वेरी हार्ड वर्किंग एंड वो ऑलमोस्ट 45 या 40 पता नहीं कितने 7 years से काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में, और उन्होंने हमेशा मेहनत की, अभी भी काम कर रही, फिट स्ट्रॉन्ग। तो मैंने बस उनसे यही सीखा, हेल्थ का ध्यान दो, यू शुड बी हेल्दी, आप हेल्दी रहोगे तो आप काम कर सकोगे। उनके जितने कंटेम्प्रेरीज काफ़ी सारे हैं वो हेल्थ का उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया, तो हेल्थ का ध्यान दो, मेहनत करो, दैट्स इट, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क, दैट्स व्हाट ही ऑलवेज टेल्स मी। जी हाँ, मैं फिलहाल तो राम से मिला हूँ, जो शिव बनते हैं उनका नाम राम है, राम यशवर्धन, वेरी हम्बल, वेरी स्वीट पर्सन, इज लाइक एन ओल्डर ब्रदर, वेरी गाइडिंग एंड एक गाइडिंग फोर्स की तरह काफ़ी उन्होंने मुझे गाइड किया है सेट पे, सब बहुत अच्छे हैं, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। तो अभी जबकि स्क्रीन पे तो हम आतता ही हैं, है ना, हम असुर हैं वो देवता है, लेकिन सेट पे ऐसा नहीं है कि असुर और देवता लड़ाई कर रहे हैं, सब प्यार मोहब्बत से बैठते हैं, बातचीत करते हैं, मजा आता है बहुत सेट पे। शिव शक्ति तप त्याग तांडव एक बहुत अभी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, बट अच्छे लेवल पे है जी, सब इसके जो ऑडियंस है इतना प्यार दे रहे हैं, आगे भी देंगे उनके लिए, आप क्या कहेंगे? जी मैं बस ऑडियंस से कहूंगा कि प्लीज इस शो को प्यार देते रहिए, श्रावण का महीना था, अपने शो को टॉप पे पहुंचा दिया, अभी गणपति जी आने वाले हैं, उसके बाद में दुर्गा माता आने वाली हैं, ये सारे कैरेक्टर्स आपको इस शो में दिखने वाले हैं,
तो जैसे जैसे त्यौहार आते जाएंगे आप शो को देखते जाइए और हिट करते जाइए, और उसके बाद में भी इसको एकदम नंबर वन पे रखिए। थैंक यू। हाँ जी, मैं काल चक्र के हाथों से रफ्तार छीन कर मानूंगा, देवों के कर से दैत्यों के अधिकार छीन कर मानूंगा।